प्रातःकाल की पावन वेला में आइए थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरें। प्रैक्टिकली हम मेडिटेशन की डुबकी लगाएं। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सी सीधी रखना, टाइट अकड़ तनिक मात्र ना रहे, टाइटनेस नहीं, बहुत सहज भाव में बाहर की दोनों पलकें मुंडती ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना। भीतर के दृष्टा साक्षी साखी हो जाना और देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मुंडते ही भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। इन अंधेरों का अनुभव लेते जाना, अपनी ओर से कुछ नहीं करना, आप वही देखना जो भीतर स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप दिखाई दे रहा है। लगातार उसी को देखते चले जाना। अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी ना है, परंतु तुम देखते रहना। इन अंधेरों में कहीं खो नहीं जाना, तुम जागे जागे देखते रहना। अनेकों जन्मों के इकट्ठे हुए अंधेरे इस जन्म में विदा कर लेना, इस जन्म में इन सब को विसर्जित कर लेना। अगर ये अवसर मिला है तो इसका सदुपयोग करना। तेरा स्वभाव है केवल देखना, भीतर की गति में दखल नहीं देना, केवल देखना। साक्षी दृष्टा रूप में, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में तुम देखते रहना। अनेकों बार तुम मन के साथ चले जाते हो, अनेकों बार ये मन इतना मचल जाता है कि तुम्हें बैठने तक नहीं देता। अनेकों बार ये वो तूफान खड़े कर देता है विचारों की, विकारों की, कि तुम तनिक मात्र भी रेजिस्टेंस नहीं रख पाते। मन बहुत ताकतवर है। अभी तो मन हमारा मालिक ही है, अभी हमें अपना तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। मन ही मन हो और कुछ नहीं। अभी तो मन की गोदी में इतना हिप्नोटाइज्ड हुआ, इतना सम्मोहित हुआ कि मुझे अपना बिल्कुल पता नहीं। अभी मन पूरी ताकत पूरी शक्ति को लेकर के चल रहा है, इसलिए इसके सामने बैठना शूरवीरों का काम है, बहादुरों का काम है। मन के प्रति जागना सबसे बड़ी शूरवीरता है। इंद्रियाणि जायेशुरो, सुखदेव ने कहा, भागवत कहती है इंद्रियाणि जायेशुरो, उससे बड़ा डर की कोई शूरवीर नहीं। मन की तमाम माया के प्रति, मन की चंचलता चपलता के प्रति, मन के द्वंद्व द्वैत के प्रति तुम ताकत लेके बैठना, तुम इसके स्वभाव को समझते जाना, तुम इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करना। तुम तनिक मात्र भी इसके साथ उलझना नहीं, इसको समझाना नहीं, दबाना नहीं, रोकना नहीं, मोड़ना नहीं, मारना नहीं, इसको कहीं सुप्रेस नहीं करना। तुम इसके प्रति जागना, तुम हट जाना मन से, विचार से, अंधेरों से तुम हटते चले जाना। तुम अपने स्वभाव स्थित होते जाना।
अपने स्वभाव को जगाना, मैं देखने वाला, एक बात देखने वाला हूं, साक्षी हूं, साखी हूं, दृष्टा हूं, सीयर विटनेस हूं अपने भीतर का, ऑब्जर्व कर रहा हूं भीतर की गतिविधि को, मन की एक्टिविटी को देख रहा। विस्मृति विदा होती चली जाती है, स्मृति का आगमन होता चला जाता है, जीवन का आविष्कार होता है जब ध्यान भीतर बहता है। अपने स्वभाव में रहना ही मानवता है, अपने स्वभाव में जीना यही धर्म है और यही अध्यात्म का शिखर है। अर्थात तुम साक्षी दृष्टा होकर की जीना, भीतर की राहों पर। ध्यान मेडिटेशन अंतर्मुखी पहलू को जगाने का एकमात्र सहज भाव, सहज तरीका, अपने ध्यान की धारा को भीतर की ओर, अपनी चेतना के प्रवाह को भीतर की ओर, अपनी सुरती को भीतर की ओर बहाते हुए तुम स्वयं की पहचान करना। स्वयं में स्थित हुआ इंसान स्वस्थ पूर्ण जीता है। स्वयं में स्थित होने वाला भले वो धार्मिक कहलाए, अधार्मिक कहलाए, आस्तिक कहलाए, नास्तिक कहलाए, स्वयं में स्थित होने वाला ही एकमात्र स्वस्थ पूर्ण सत्य का दीप जलाता हुआ दुनिया को देने लायक हो जाता है। दुनिया के प्रति कछु देने की सामर्थ्य जुटा सकता है, यही है एकमात्र देन। अगर संसार के प्रति कोई मानव देना चाहे तो इससे बड़ी कोई देन नहीं। अपने भीतर के जागरण को बांटना, अपने भीतर प्राप्त की हुई ज्योति को बाहर चारों ओर प्रकाश में उतारना, अपने भीतर के आनंद मस्ती को जो आउट ऑफ द ब्रिम बहती है उसको चारों ओर बांटना, इससे बड़ी कोई देन, कोई दान दूसरा नहीं है। हर इंसान को आज भीतर शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तनाव रहित एक ऐसी सुख भरी जिंदगी जीना चाहता है इंसान, जिसके लिए वो पूरा अधिकार रखता है, पूरा हक रखता है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अगर जीवन सुखी नहीं, अगर ये सुख और आनंद से भरपूर नहीं, अगर ये मस्ती के आलम में डूबा नहीं, अगर ये अपनी विल पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति, मनोबल, मन की शांति, आनंद मस्ती के भंडार को उपलब्ध नहीं कर पाता, तो बाहर कितना भी प्राप्तियों का द्वार बना ले, कितने शिखर बना ले, सब व्यर्थ जाते हैं। और यही एकमात्र मानव जीवन का धर्म है, यही एकमात्र धन है, अपने भीतर, अपने केंद्र पर रहना, अपने सेंट्रल पॉइंट पर रहना।
इस सेंट्रल पॉइंट की याद, इस दशम द्वार की याद, इस सहस्रार के शिखरों की याद हमको सत्संग में बैठ करके, किसी जागे पुरुष की संगति में बैठ करके, उसकी वाइब्रेशंस, उसके ऑरा में बैठ करके स्मृति में उतरती है। जो जो ये लगन, प्यास, पीड़ा, दर्द बनती चली जाती है, त्यों त्यों तेरा भीतर रोम रोम भले प्रभु की पुकार में डूब जाए, भले रुदन के आलम पैदा करे, भले सागर छलका दे, परंतु तू स्वस्थ रहता है, उसी में आनंद और मस्ती है। स्वस्थ पूर्ण प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए तुझे बाहर नहीं, अपने भीतर की खुंटी पर निर्भर रहना होगा। तो बाहर खुंटियां ढूंढता है सुख की, शांति की, आनंद की, तो बाहर खुंटियां ढूंढता है अपने जीवन को सुखी बनाने की, नहीं। बाहर की तमाम प्राप्तियां, बाहर की खुंटियां तेरी शक्ति को बढ़ा सकती हैं, तेरे सामर्थ्य को बढ़ा सकती हैं, तेरी समाज के अंदर अस्तित्व निर्मित कर सकती हैं, तेरी एग्जिस्टेंस, तेरा दबदबा, तेरा शिखर, तेरा रोब रुबाब, ये सब तुझे बाहर के शिखरों से मिल सकता है, परंतु जिसकी तलाश है तुझको वो बाहर नहीं, वो तुझे अपने ही भीतर मिलेगा। अपने भीतर अपनी खोज, अपनी तलाश, अपने मन के प्रति जागने से मिलेगा। जो जो तू इस मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरता है तो भरपूर होता जाता है, तो बेप्रवाह होता जाता है। तेरे भीतर ना ईर्ष्या रहती ना क्रोध रहता, क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या दोनों अहंकार के बच्चे हैं, दोनों अभिमान से पैदा होते हैं। आदमी में क्रोध अर्थात अहंकार मोटा बनकर के आता है, और नारी में, स्त्री में ये अहंकार सूक्ष्म रूप लेता है, ईर्ष्या का रूप लेता है, ईर्ष्या का रूप लेता है। परंतु क्रोध और ईर्ष्या दोनों जीवन की बर्बादी है, दोनों जिंदगी की एकमात्र बर्बादी है, और ये दोनों भीतर के अहंकार से, अभिमान से उठते हैं। जितना अहंकार अभिमान भीतर होगा उतनी ये दोनों बीमारियां छूती चली जाएंगी। ये तमाम प्रकार की मनो रोग, ये तमाम बीमारियां मनस्थल की अहंकार से अधिकतर पैदा होती है। अगर हम अपनी ईगो, अहम, अहंकार को विसर्जित करने का रसायन प्राप्त कर लो, ये केमिकल प्राप्त कर लो, ये मेडिटेशन धारण कर लो, जिसके प्रति अवतारों, गुरुओं, शास्त्रों, सदग्रंथों, तमाम ब्रह्म सूत्रों ने, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब ने, और तमाम विश्व के स्क्रिप्चर्स ने इशारा किया है अंतर्मुखी तल के प्रति, इंट्रोवर्ट पहलू के प्रति, मेडिटेशन के प्रति। हम उसको अपने जीवन का गहना बनाकर के चलें तो जिंदगी इसी समय, इसी जगह, इसी एकमात्र मकान में, इसी दुकान में सुखपूर्ण हो सकती है, इसी नगर में सुखपूर्ण आनंदपूर्ण जिया जा सकता है। अगर तुझे भीतर की आंख, भीतर की नजर, भीतर का ध्यान प्राप्त हो जाए तो फिर तुझको अपने ही अनुभव में गुनगुनाते हुए सुना जाएगा। इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तू जग में आकर गफलत में सो न जाना। इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तू जग में आकर गफलत में सो न जाना। इस तन का क्या ठिकाना, रे मन तन का
क्या ठिकाना। बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं, बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं, अति सुंदर तन थे जिनके वो भी चले गए हैं, बलशाली तन थे जिनके वो भी चले गए हैं, अपनी भली बुरी को सब साथ ले गए हैं, अपनी भली बुरी को सब साथ ले गए हैं। ओ मत करना काम ऐसे, मत करना काम ऐसे, रे मन मत करना काम ऐसे, मत करना पाप ऐसी, ठुकराए ये जमाना, ठुकराए ये जमाना, इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना। मन रे तू जग में आकर विषयों में खो न जाना, इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना। पेट्रा जैसे, नार्सिस जैसे, अति सुंदर सौंदर्य से ओतप्रोत जैसे पारब्रह्म परमात्मा ने, उस ब्रह्मा पिता ने स्वयं अपने हाथ से अच्छी तरह से पिरो करके भेजा, वो अभी इस जगत में नहीं रहे, ना रहे सिकंदर जैसे नवयुवक, हिटलर जैसे, नेपोलियन जैसे नवयुवक, इस धरती के ऊपर इतने बलशाली, आह रावण जैसे, बाली जैसे, कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे, बलशाली बड़े बड़े, विक्रमादित्य जैसे, अकबर बादशाह जैसे, इस धरती पर सदा नहीं रहे। और वो अगर भीतर अंधेरा ही लेकर के गए, केवल दो आंसू ही लेकर के गए, केवल पश्चाताप और पछतावा ही लेकर के गए, केवल मात्र खाली हाथ गए, तो उनका जीना और भी ज्यादा असुंदर होता चला गया, और भी ज्यादा नेगेटिव उदाहरण बनता चला गया। दरिद्र होकर के, गरीब होकर के जीना, और उस संपदा के पीछे भागे जाना जो संपदा विपदा में काम नहीं आती। धर्म में वो शक्ति है कि तुम्हारे जीवन की तो बात ही क्या, सारे संसार को वैकुंठ बना सकता है, अगर सही दिशा, धर्म के प्रति उन्मुखता, धर्म के प्रति बहाव हो जीवन का, तो तुम जहां हो, जैसे हो, जितने में हो, उसी में तुम आनंद पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण जी सकते हो। धर्म वो रसायन है जो तुझको क्रांतिमय बना देता है,
जो तेरे भीतर एक जीवन क्रांति उतार के रख देता है, और वह धर्म की आभा प्रतिभा विभा तेरे भीतर है, बाहर नहीं। अपनी ना की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। यही तो सिकंदर आजम मरते वक्त कह रहा है, बलशाली सिकंदर कह रहा है, बलशाली बाली कह रहा है, बलशाली रावण कह रहा है, बलशाली है इस धरती पर मरते वक्त कितना सुंदर अनुभव दे रहा है, कितनी सुंदर दिशा बता रहा है, अपने अनुभव के आधार पर जीवन का मूल्यांकन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। और उनके तमाम अनुभव हमको जगा क्यों नहीं पाते, क्योंकि हमें उसके प्रति साइंटिफिक व्याख्या नहीं आती, हमें उनके प्रति साइंटिफिक मीनिंग वैज्ञानिक अर्थ हमारे हाथ नहीं लग रहा है। इसीलिए बार बार हम वही करते हैं जिनके करने से हमको वही हालात झेलने पड़ते हैं जो उन्होंने झेले, अर्थात अभागा जीवन जीना पड़ता है। नहीं, बलशाली वही है जिसने अपना मनोबल संजोया है, सुंदर वही है जो हड्डी मांस चमड़ी के पार भीतर बैठे हुए सौंदर्य के मालिक को, सौंदर्यों के भी सौंदर्य को चूम लेता है, उसकी शरण में उतर जाता है, जो इसने भीतर को सुंदर बनाया है। उज्जवल जीवन बनाए आत्म का भेद जाने, उज्जवल जीवन बनाए हम सब, उज्जवल जीवन बनाए हम सब, उज्जवल जीवन बनाए आत्म का भेद जाने, उज्जवल जीवन बनाए आत्म का भेद जाने, प्रभु प्रीत लौ लगाए कर तू ये बात माने। रे मन, मन को समझाते हुए जिज्ञासु मुमुक्षु कहता है, उज्जवल जीवन बनाए आत्म का भेद जाने, उज्जवल जीवन बनाए आत्म का भेद जाने, प्रभु प्रीति लौ लगाए कर तू ये बात माने, मन हारी हारी जा रहा। रे मन, मन हारी हारी जा रहा, मन जीते जीत जा रहा, मन जीते जीत जाना, इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना, मन रे तू जग में आकर गफलत में सोना जाना, इस तन का क्या ठिकाना, इस तन का क्या ठिकाना। इस तन का क्या ठिकाना, जन्म के बाद इस धरती पर हर चीज का गारंटी लेटर मिल सकता है बाहर, किंतु तुझे अपने सांसों का कोई गारंटी लेटर प्राप्त नहीं हो सकता। ये तन कब से धरती पर आया तुम सब जानते हो, कब तक रहेगा तक की तारीख कोई नहीं जानता। इन सांसों की गति कब तक चलती रहेगी, कब तक बहती चली जाएगी,
कब तक, तक की तारीख कोई नहीं जानता। इसलिए तनिक मात्र भी अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। कछु भी पाकर, क्या भी पाकर, कितना भी पाकर, कहीं भी पाकर तुझे अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। तेरा धरती पर आना तेरे होने की आवाज लगा दे, तेरे होने का नाद बजा दे, तेरे होने का शंख बजा दे, तेरे होने का नाद बजा दे, तब धरती पे आना सार्थक होगा। आइए छोटा सा कीर्तन करें, तत्पश्चात विराम लें। जितनु प्रभु दे मिलन दाचा, बाकी तू ख्याल छड़ दे। जितनु प्रभु दे मिलन दाचा, बाकी तू ख्याल छड़ दे। जितनु प्रभु दे मिलन दाचा, बाकी तू ख्याल छड़ दे। जितनु प्रभु दे मिलन दाचा, बाकी तू ख्याल छड़ दे। एहो इको मता सदा तू पका, बाकी तू ख्याल छड़ दे। एहो इको मता सदा तू पका, बाकी तू ख्याल छड़ दे। जितनु प्रभु दे मिलन ना चा, बाकी तू ख्याल छड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। इस राह उते बंदे मुश्किलां भी आउंदियां, मुश्किलां भी आउंदियां। इस राह उते बंदे मुश्किलां भी, वो तो संसार के मार्ग पर भी आती हैं, वो तो बहिर्मुखता के मार्ग पर भी आती हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में रहने वाला जिसके मार्ग पे मुश्किलें मुसीबतें नहीं आती? वहां भी तो आती हैं, और वहां ऐसी रुला के रख देती हैं कि हार्ट अटैक का मरीज बना देती हैं। और यहां मुश्किलें दिन प्रतिदिन आनंद के सरूर में भरती चली जाती है, मस्ती के आलम में उतारती चली जाती है। यहां मुसीबतें, यहां मुश्किलें उस मालिक के निकट लाती चली जाती है। क्या गजब का सौभाग्य घटित होता है इस मार्ग पे जब मुश्किलें आती हैं, तो तू और भी ज्यादा पक्का पक्का घड़ा बनता चला जाता है, और भी समर्पित भाव निरंतर बढ़ता चला जाता है। उसकी समीपता, उसकी निकटता तेरे हाथ लगती चली जाती है, और तू मालो माल होकर के आता है। इस राह उते बंदे मुश्किलां भी आउंदियां, मुश्किलां भी आउंदियां। इस राह उते बंदे मुश्किलां भी आउंदियां। चंगी तरह रुक के ओ तैनू ठनकांदियां, तैनू ठनकांदियां। चंगी तरह रुक के ओ तैनू आजमांदियां, तैनू आजमांदियां। चंगी तरह रुक के ओ तैनू ठनकांदियां, तैनू ठनकां। रखी ओ देवल अपनी निगाह, बाकी तू ख्याल छड़ दे। रखी ओ देवल अपनी निगाह, बाकी तू ख्याल छड़ दे। जितनु प्रभु दे मिलन दाचा, बाकी तू ख्याल छड़ दे।